मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल में कॉमन पीपल को प्रवास करने की अलाउ करो, ये हमारी बीजेपी की मांग थी और आज के कैबिनेट में उस पर कोई डिसीजन होगा ऐसी अपेक्षा थी। अभी सब रेगुलर शुरू हुआ है, कल हमने सह्याद्री पे देखा, सरकार के गवर्नमेंट के जो फंक्शन था उसमें पूरी तरह से भीड़ थी। राष्ट्रवादी के कार्यालय ओपनिंग में बहुत भीड़ आई थी। कांग्रेस के आंदोलन रस्ते पे आके कर रही है। अगर इस प्रकार तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता सरकार के फंक्शन अगर रूटीन हो गए हैं तो जो मुंबई कर है उस मुंबई कर को उसको ऑफिस जाने के लिए, उस पर काम पे जाने के लिए जिस प्रकार से उसको वाहन चाहिए वो सबसे सस्ता लोकल माना जाता है, उस पर बंदी क्यों, उस पर बैन क्यों, ये हमारा सवाल है। आज टैक्सी, आज मुंबई कर को टैक्सी, रिक्शा, प्राइवेट बस, ST इससे ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे उससे बहुत सारा उसका पैसा खर्च होता है, उसका बजट इस प्रकार से आज डिस्टर्ब हो चुका है। हमारी ये मांग है, एक तो लोकल से तुरंत प्रवास करने के लिए अलाउ करो, अन्यथा मुंबई कर को 5,000 रुपये एक ट्रैवलिंग अलाउंस सरकार, राज्य सरकार की तरफ से दिया जाए, ये हमारी मांग है।